एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सौम्याज़ लाइफ। सो ये जो व्लॉग है ये वेडनेसडे का है। तो यहाँ पर मैंने एक जो इंट्रोडक्शन पार्ट था मेरा व्लॉग का वो शूट किया हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं वो कैसे डिलीट हो गया है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये जो क्लिप है वेडनेसडे का है। तो लंच के टाइम का, मतलब लंच का टाइम ऑलरेडी चला गया था। 3 बजे मैं लंच बना रही थी, क्योंकि आप समझ सकते हो अभी ये पैकिंग का काम, कौन आ रहा है, कोई कभी एसी खोलने आ रहा है, कौन कभी क्या करने आ रहा है। तो वैसे ही करते करते काफ़ी लेट हो गया था और खाना नहीं बना पा रही थी। तो मैं वही, मतलब जल्दी से कुकर में उस दिन मैंने जो वाला जो बिरयानी बनाया था वही बस बना दे रही थी, क्योंकि वो मतलब बहुत ही जल्दी 15-20 मिनट में बन गया। और आज पिंकू एक बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं बालकनी पे बैठ के। मेरा जो काम है वो थोड़ा कम कर दिए हैं। मैं दिखा के लाती हूँ आप लोगों को। आ जाए घर बिल्कुल मेस हुआ है, तो सो प्लीज़ इग्नोर। और यहाँ पर है पिंकू, तो बैठ के बिल्कुल अपने प्लांट्स को आज बहुत, मतलब उनको प्यार आया है प्लांट्स पे। आज इतने दिनों के बाद याद आ गया। और यहाँ पर प्लांट्स है क्या सब, मैं इसलिए डोर खोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ खोल क्यों नहीं रही है। तो वो जो मिट्टी में, ये क्या बोलते हैं उसको आप, जो कंपोस्ट हमारे ओडिया में बोलते हैं खोतो। हाँ, तो कंपोस्ट जो होती है वो डाल रहे हैं और मेडिसिन उसके साथ में। तो बालकनी का हालत देख सकते हो आप लोग, सब प्लांट लाके बैठ गए हैं बिल्कुल वही। तो चलिए, आपको भूख नहीं लग रहा है क्या? जाओ जल्दी से नहा के आ जाओगी, अभी तक नहाए भी नहीं है। तो चलिए, अरे आप प्लीज वो उतना ही छोड़ दो, आज कंप्लीट मत करो, अब वरना शाम हो जाएगा। तो चलिए फटाक से मैं लंच बना लेती हूँ। और यहाँ पर पिंकू आए थे शायद, ये इनका मतलब बेड हैबिटेक कि बाथरूम का जो डोर है वो कभी बंद ही नहीं करते। तो चलिए फटाक से चलते हैं और लंच बना लेते हैं जल्दी से। You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should have told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. ये वाला जो पॉट था ना, मतलब इतना गंदा हो गया था बिल्कुल, इसको क्या स्क्रॉच राइट उससे ये क्लीन करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो मतलब मिट्टी लग गया है और जा नहीं रहा है बिल्कुल। ये वाइट वाला पॉट रह गया था ना वो, हाँ 1 महीना। तो और वो एक्चुअली अंदर नहीं रहता, तो बालकनी में रहता तो कुछ प्रॉब्लम है, अंदर रहेगा तो उसका थोड़ा लुक अच्छा भी होना चाहिए ना। बहुत व्हाइट वाला पॉट है ना, तो बहुत गंदा दिख रहा है ज्यादा। तो रिकमेंडेड व्हाइट वाला पॉट मत लो। हाँ लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लेने से, बट उसको ऐसा, मतलब मैं बहुत घर पे जब था बहुत मेंटेन कर रहा था, बट नर्सरी से दिया था। नर्सरी पे मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। ओके गाइस, तो लंच बन गया और अभी मतलब 4 बज गया है। अभी ये नहा के आए हैं और जो भूख लग रही है ना, और मतलब घर पे जगह भी नहीं है बैठ के खाने के लिए ठीक से, तो वही सोफे के ऊपर बैठ के खा रहे हैं। अब आपका लेग पीस ये नहीं जी राइट, आप खाते नहीं हो, यही चल लेना जितना आपको चाहिए, ठीक है। हम लोग अभी, मेरा दिख रहा है मेरे को बिल्कुल, हम लोग अभी कहाँ जाने वाले? नहीं, हम लोग अभी यहीं पर ऐसे ही बैठ के खाने वाले हैं 2 दिन, मतलब और क्या करेंगे वहाँ पर। कपड़ा लैपटॉप सब कुछ कल ही, एक दिन आई थिंक खाना बनाएगा, परसों तो वो लोग सुबह से आ जाएंगे, वो 7 बजे आएंगे राइट। और वो लोग आते हैं ना तो ऐसा हालत होता है कि 2-3 लोग आएंगे, हम दोनों मतलब जगह ही नहीं होगा। और मैं जाके कहाँ पर मतलब खाना बनाऊंगी, चाय फाय बना के पी सकते हैं बस। हाँ, लास्ट टाइम याद है वैसे हमको अदरक चाहिए था, और चाय बनाने के लिए जब हम हैदराबाद में शिफ्ट कर रहे थे तो फिर अदरक नहीं था। वो शायद आंटी ने थोड़ा जो ब्लैक पेपर और अदरक है वो सब पैक हो गया था ना, चाय पत्ती के साथ पैक हो गया था शायद, हाँ सब कुछ। फिर मैं मतलब मिल्क बॉईल कर दिया था और वो आंटी साइड में थे, वो लाके दिए। क्योंकि वो लोग क्या होता है, 3 लोग आएंगे तो 1 लोग किचन में, किचन का जो काम है वो करता है, और 2 लोग बेड वगैरह खोलते होते हैं, मतलब जो भी आने इंस्टॉल करना पड़ता है वो सब करते हैं। बहुत सारा काम भी है। और कल तो मेरी पैकिंग पूरा हो गया है, आज दिन का है। मेरा तो ऑलमोस्ट हो ही गया है। और भी है तुम्हारा थोड़ा, बट वो कार्टून वो लोग लाएंगे तो उसमें डाल दूंगी। ये कार्टून में डालूंगा जो लाया हूं मैं। बाय द वे ये बिरयानी कौन कौन ट्राई किए हो उस दिन जो हम लोग दिखाए थे? किसी ने तो कमेंट किया था कि वो ऑलरेडी वैसा बनाते हैं। नहीं नहीं वो बना के खाए हैं और टेस्ट अच्छा है बोल के बोले, वो बोले थे। या फिर मुझे लगा कि वो बनाते हैं ऑलरेडी, उनकी जो वाइफ है वो ऐसे बनाते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। लंच भी हो गया और गैस वगैरह सब कुछ क्लीन करना भी हो गया। और अभी वो थोड़ा ना जो मोतीचूर लड्डू, मोतीचूर है, मोतीचूर ही बोलते हैं। लो ये रह गया था जो गणपति के दिन आया था, तब से ही आंटी को भी मैंने दे दिया था फिर भी। और ये इतना सारा ले आए थे, मतलब 2 पैकेट ले आए थे, पता नहीं क्या कौन। नरम नरम अच्छा लगता है ना, अब फ्रीज में रह जाने के बाद ये मतलब ऐसा हो जाता है। हाँ। अभी मतलब कितना 5-6 दिन हो गया है। बहुत ज्यादा टायर्ड लग रहा है, सो जाऊंगी आज, सोच रहा हूँ अभी थोड़ा सा। और मेरा हम लोग शाम को ही पैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मेरा ऑफिस का काम खत्म होने के बाद हम लोग बोल रहे हैं मेरा ऑफिस का काम खत्म हो गया, उनका एडिटिंग वगैरह खत्म हो गया, फिर हम लोग 7-8 बजे स्टार्ट करके रात को ही कंप्लीट कर रहे हैं काम। क्योंकि कल हम लोग 2 बजे के आसपास सोए हैं, मतलब क्योंकि नहीं होता है क्योंकि दिन भर का ऑफिस का काम, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कल छुट्टी ले लूंगा। मुझे भी एडिटिंग करनी है अभी, जैसे कि मुझे एडिटिंग करनी है। क्या कर रहे हो? हाँ? क्या कर रहे हो? पैकिंग चल रहा है और क्या करूं? बाउल रफ खत्म हो गया आपका? हाँ। मैं वही बोल रहा हूँ भाई, जितना हुआ जितना था तो वो लोग जब लेके आएंगे तो उनके साथ जो मिलके हम लोग का जो आपका ये सब चीज है ना, जो भी ग्लास का आइटम, तो उनके साथ मिलके आप उनको मांग देना बाउल रफ, तो आप ही कर देना। देखो मुझे क्या मिल गया, एक पॉकेट जैसा मिल गया जिसपे मेरा फोटो फ्रेम बिल्कुल ऐसे आराम से घुस नहीं रहेगा। सर रहेगा क्या? हो जाएगा साइज उसका परफेक्ट, मतलब इसी के लिए ही ये बना है। अच्छा ओके। हाँ तो अभी उसमें छोड़ो, वो तो हो गया इतना। हाँ। तो गाइस हम लोग का मतलब कुशन वगैरह ये वगैरह किलो वगैरह सब एक पेट में रह गया, मंदिर एक हो गया, और जितना भी हम लोग बबल रब करना था वो हो गया। और हम लोग अभी क्या कर, अभी मंदिर हमने चेंज कर दिया क्योंकि कल हम मंदिर को लेके चले जा रहे हैं। कल हम जब जाएंगे, कल सुबह हम सोच रहे हैं नहा धो के वहाँ पर जाएंगे, तो मंदिर तो ले नहीं जा रहे हैं, बस भगवान को लेके जा रहे हैं। तो वहाँ पर एक मतलब कल एक्चुअली थर्सडे है ना, तो हम सोचेंगे थोड़ा साईं बाबा का और थोड़ा जो मिल्क वो उबाल के आएंगे, इंडक्शन वगैरह करके उबाल के आ जाएंगे। इसलिए मंदिर हमने एक छोटा मतलब जितना भी भगवान था वो लेके जा रहे हैं, एक साथ वो वार्डरोब में रख देंगे। अभी वार्डरोब में नहीं, टीवी यूनिट में भी रख सकते हैं, पर हाँ उसका पोजीशन देख के थोड़ा उसका देख के करेंगे वो मंदिर, इसीलिए वो हम फिक्स नहीं कर रहे, बाद में करेंगे देख के। बट अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका ये भी हो गया, क्या हो गया? जो आपका जो कपड़ा था वो हो गया राइट, जो बड़ा वाला बॉक्स है वो जो पेटी आप बोल रहे हो वो पेटी में डाल दोगे, कार्टून में डाल दोगे। अभी एक काम करो, आप जो बैग यूज नहीं कर रहे हो ना, वो आपका येलो कलर ट्रॉली बैग में डाल दो। आपका कपड़ा वो की आपका बैग कार्टून में डाल सकते हो, येलो वाला ट्रॉली में हम लोग कपड़ा लेके जा सकते हैं राइट। कौन सा कपड़ा लेना है आपको? कुछ भी अच्छा वाला कपड़ा कि मेरा कपड़ा हो जाएगा, आपका कपड़ा हो जाएगा और दूसरा और जो भी होगा वो कार्टून में डाल देना। तो आप येलो वाला बैग में पूरा आपका बैग ही डालोगे। हाँ, क्योंकि वो बैग ना खराब हो जाएगा सर। तो कितना बैग है आपके पास? 4-5 बैग है, तो मैं वो बोल रहा हूँ बैग डाल दो। हाँ देखो, और अगर स्पेस रह जाएगा आपका जो नया शूज है, नहीं उसमें मेरा जो वॉचेस वगैरह जो मेरा अच्छा वाला वो सब डाल दूंगी बैग के साथ। आप ले आओ, ले आओ बैग ले आओ। अरे ये जितने गोल, ये बैग कलेक्शन पे आप नहीं रखा है कभी? बैग कलेक्शन क्या कहाँ है कलेक्शन? इतना भी नहीं है मेरे पास जो बैग कलेक्शन दिखा लूं। ये वाला मैं दिया था, देखिए बैगेट का नहीं है और ये एक ही मिला है शादी के बाद, मैंने एक ही बैग लिया है तो बहुत ही कम लिया है राइट। मेकअप बना के रहा हूँ, मेकअप बोला कि बहुत ज्यादा ले रही हो तुमने। और ये सब ना बैग के अंदर मैं फेंकती नहीं हूँ क्योंकि जब भी रखती हूँ तो वो बैग जो है वरना खराब हो जाएगा। तो अभी ये सब संभाल के आप भी रखना। ये देखो तुम्हारा बैग मिल गया, बस वो वाला बैग का जिप खराब हो गया सर। नहीं जिप ठीक है। नहीं, I don't think it ठीक होगा। नहीं, मैं ठीक, पापा ने ठीक करके लाए थे, याद है तुमको? ठीक करके लाए थे। और हाँ, आपका वो थायराइड मेडिसिन और ये मेडिसिन वो आराम से रखना, मतलब जो रेगुलर जो चीज लेके जा रहे हो जिसमें इजीली आपको, क्योंकि वो तो खाना ही पड़ेगा नेक्स्ट मॉर्निंग। फ्राइडे नाइट को वहाँ पर कैसे रहेंगे मैं वही सोच रहा हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम वो घर में, मतलब बहुत ऑकवर्ड लग। मैं तो रह जाऊंगा, मैं तो कहीं पर भी सो जाऊंगा, मेरा नींद नहीं आती है, मुझे नींद का प्रॉब्लम होता है। देखते हैं क्या करेंगे, रात भर जागते रहो करना तुम्हारा, सौम्या करेगी जागते रहो बालकनी में खड़े होके। लोग चले आएंगे अब ऐसे सुन के। अभी पता है रात को कितना बजा है? कोई आइडिया? गेस करो आप लोग कितना बजा होगा, बोल दो आप कितना बजा है। अभी 11 बज गया है, 11:30 के आसपास हो गया ऑलरेडी। आप लोग इवनिंग में हमको मन नहीं कर रहा था, मैं सो गई थी, फिर मैं आज 8 बजे उठी हूँ। उसके बाद बिल्कुल मतलब चाय वाय थोड़ा हमने पिया और मतलब बहुत लेजी थी। ये यहाँ पर रह जाएगा आराम से, ये रह जाएगा, ये भी रह जाएगा। वो सोच रही हूँ मैं, चाहिए मुझे बाहर रहने के लिए। आजकल का जमाना देखो कैसा हो गया, ट्रॉली में जा रहा है बैग, मतलब कभी कैसे सोचे थे क्या ट्रॉली में बैग जाएगा बोल के? देखो आजकल का जमाना देखो, लड़की लोग क्या जमाना, ट्रॉली में बैग जा रहा है। इसमें जमाने वाली क्या बात, मतलब एक ट्रॉली बैग, सोच लो आप, अंदाजा लगा दो इसमें सोचने वाली बात क्या? शादी करना है कि नहीं करना है बैचलर लोग को मैं उनके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये थोड़ा ज्यादा नहीं? बहुत लोग बोल रहे थे ना, मेरा एक दोस्त भी बोल रहा था कमेंट में कि भाभी हमारा आपका चाय और ये पीने के लिए मन कर रहा है, पानी पूरी चाय में। उनको तुम लोग ने बहुत कमेंट कर रहा था ना, शादी कर लो बेटा, शादी करने के बाद देख ले। एक ट्रॉली बैग जाएगा तेरा। तो ऐसा बोलना क्या चाहते हो आप? मैंने आपसे खरीदवाया है क्या ज्यादा? मैंने तो एक ही, ऐसा ही हमेशा सुनते रहोगे, पूरा जीवन भर सुनते रहोगे कि मैं क्या आपसे खरीदवाया, मतलब क्या मैंने क्या आपसे खरीदवाया है क्या? मैं आपको कहा बोला आप खरीदवाए हो क्या? मैं बोला मैं तो एक ही खरीदा हूँ। हाँ, तो फाइनली मेरा जो 1947 का ट्रॉली बैग है ना वो आ गया, और इसमें अभी तक इंडिगो का टैग लगा है। तो हम लोग अभी इंडिगो पे मतलब जाएंगे, हमारा यहाँ से हमारे इंडिगो वाला हम लोग को स्पॉन्सरशिप किया है, तो उसका हम लोग ऐड कर रहे हैं, जय इंडिगो की। भगवान। हाँ, और जिनका कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, देखो ये वो सब उनका था। उठो, ये क्या दिखा रहे हो? पिछवाड़ा दिख रहा है क्या? मैं जल्दी जल्दी रख देता हूँ। रुको प्लीज, ये उनका आधा है और आधा लेके आओ। हाँ, ये उनका आधा कपड़ा है अभी तक, मतलब आधा टी शर्ट सब खत्म। अरे मेरा मतलब डिप्लोमा लाइफ से, मतलब स्कूलिंग लाइफ से कपड़ा है। मेरा हाइट तो नहीं बढ़ा, मेरा इससे तब से पहन रहा हूँ। बिल्कुल झूठ मत बोलो, शादी करके आने के बाद मैंने इनका हर कपड़ा जो है रिप्लेस किया हुआ है। 1 साल हो गया शादी को, 1 मैंने वैलेंटाइन डे पे दिया था, 1 बर्थडे पे दिए थे, एक एनिवर्सरी में दिया था, तो 3 यहीं पर हो गया। तो उनका जो फॉर्मल था जब मैं शादी करके नहीं, उसको जो पॉकेट मनी में देता हूँ तो वहाँ से वो ऑर्डर कर लेती है। तो मैं तो कभी नहीं बोला हूँ कि भाई पॉकेट मनी तुमको देता हूँ मेरे लिए खरीदो, वो खरीद लेती है। वो अच्छी वाइफ है ना, तो मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ जल्दी से जल्दी भाई शादी करो और इस तरह वाइफ ले लो सब। हाँ, वो पहन लो थोड़ा। अभी गाइस देखो ये कैसा लग रहा है, बिल्कुल हीरो लग रहा हूँ ना। और ये मेरा एंगेजमेंट का है, ये सब मैंने बनवाया, मतलब मैंने ये सब डिजाइन था, मतलब चूज मैंने किया था। ये एंगेजमेंट का मेरा, इनका भी लहंगा जो है येलो कलर का, इसका पैंट और कुर्ता भी लेके आओ, साथ में रखो, जो रख रहे हो साथ में रखो। इसका पैंट और कुर्ता भी वहीं पर है। एंगेजमेंट का वीडियो हम लोग कभी पोस्ट किए हैं क्या? हां, शादी का। और जो ये ड्राई क्लीन पे नहीं दिया था क्या आपने? शायद नहीं दिया था, तो इसको देना पड़ेगा। आई विश यू कुड सी योरसेल्फ जस्ट सिटिंग देयर ऑन माय चेयर। कब से पानी बैठा के रखे हो आप? अच्छा, मैं बोल रही हूँ। लो पहले गरम पानी। रुको, हाथ में मिट्टी है। मिट्टी कहाँ से आया? अरे वो प्लांट ठीक करेगी। तो गाइस अभी हम लोग थोड़ा गरम पानी पिएंगे, क्योंकि रात को मोस्टली हम लोग गर्म पानी पी के सोते हैं हमेशा। और अभी ये काम बहुत हो गया आज, और इनको बोला कि नहीं ट्रॉली बैग हो गया, सब कुछ हो गया, तो जितना भी हो सकता है तो हो गया। हम लोग कपड़ा का तो 90% हो गया, हम लोग का कपड़ा का 90% हो गया। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई चीज आप ऑर्गेनाइज करके रखते हो तो बहुत इजी हो जाता है। मतलब हाँ। हम लोग ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बजे स्टार्ट किए थे, 12-10 तक हम लोग 1 घंटा में पूरा कंप्लीट कर दिया। तो ओके गाइस, तो चलिए फिर आज भी काफी वही टायर्ड था, रूटीन चल रही है। एंड गाइस मुझे मेरी एक फ्रेंड ने भी आज मतलब मैसेज किया था और पहले भी आपको भी मैसेज आया था कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। उस दिन मतलब मेरी खुद की मम्मी भी बोल रहे थे कि उनको भी नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग को भी मतलब आप लोग के साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है कि वीडियोस तो रोज जब मैं डाल रही हूँ अगर नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है आप लोग को, तो आप एक काम करना मतलब आपका जो नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन है मतलब नोटिफिकेशन जो है उसको ऑफ करके फिर से ऑन कर लेना ऑल नोटिफिकेशन में, ताकि नहीं एक्चुअली ये बीच-बीच में यूट्यूब की तरफ से ही प्रॉब्लम होता है तो नोटिफिकेशन कभी आता है कभी नहीं आता है। तो बहुत लोग को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा होगा। जो हमारा सब्सक्राइबर है तो जो सब्सक्राइब तो नहीं किए हैं ऑटोमेटिकली अभी वो लोग सब्सक्राइब करेंगे और साइड में जो बेल आइकन है तो ऑल नोटिफिकेशन करेंगे तो उनको नोटिफिकेशन आएगा। तो जो ऑलरेडी हमारा सब्सक्राइबर है तो उनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो वो लोग और एक बार जाके वो नोटिफिकेशन बेल आइकन को जो क्लिक करके फिर से ऑल ऑन कर लो तो और आप चेक कर लो कि ऑल पे है या मतलब नहीं, ऑल पे होना चाहिए। ऑल पे होना चाहिए जो नोटिफिकेशन पे 3 ऑप्शन आएगा आपको उस पे ऑल नोटिफिकेशन जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो चलिए फिर साथ ही साथ ये जो व्लॉग है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो फिर जैसे कि कल लास्ट डे है तो फिर कल लास्ट डे के लिए आपको मिलूंगी मैं इस घर पे और उसके बाद और आपको ये घर नहीं दिखेगा बट वी रियली मिस मतलब बहुत मैं मिस करूंगी वाली घर। बेंगलोर छोटा घर था 1 BHK के हिसाब से और अच्छा भी था। 1 साल भी कंप्लीट कर लिया हमने यहाँ पर। एक्चुअली हम लोग घर को बहुत अच्छे से रखे थे इसलिए हम लोग ज्यादा मिस कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो फिर चलो बहुत लंबा कर रहे हैं ये वीडियो। तो बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।